हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आज आपको शाही पनीर बनाना बताऊंगी। उसके लिए ये मैंने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें दो प्याज और पांच छह लहसुन की कली, छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाला है। इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। ये टमाटर की प्यूरी है जो रेडी कर लिए पहले से ही। ये पनीर के पीसेस तैयार कर लिए हैं। ये अपनी फ्रेश मलाई है जो इसमें डालेंगे। ये जीरा, दो तेजपात के पत्ते और ऑयल। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑयल डालते हैं। इसके बाद थोड़ा सा डाल के देखते हैं तेल अपना ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। ये जीरा, ये तेजपात के पत्ते डालते हैं। ये हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट डाल देते हैं। इस तरीके से चलाते रहेंगे। इसमें मैंने पहले से मसाले भी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, नमक सब कुछ डालकर ही पीसा था। ये देखिए, आप ये हम चलाते रहेंगे, चार पांच मिनट तक कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जैसे ही ये मसाला और प्याज लहसुन और अदरक तीनों का जो पेस्ट है इसकी पहचान है, सीख जाएगा तो ये अपना ऑयल छोड़ देगा। ये देखिए अपना रेडी होने वाला है। मैं छोटे छोटे टुकड़े, एक दो थोड़े मोटे से भी रखती हूँ, उसमें हल्के प्याज के जो अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बीच में पनीर के साथ खाने में ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा थोड़ा पेस्ट को मोटा ही रखती हूँ। अब देखिए, ये प्याज लहसुन और अदरक मसाले का ये सारा पेस्ट अपना रेडी होने वाला है। अब इसमें हम ये मलाई है, फ्रेश मलाई ऐड कर देते हैं। फिर इसको भी अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए, मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए, जितना आप पसंद करते हैं। लाल मिर्च पाउडर, नमक आदि, जो भी आपको, जैसा भी आपको टेस्ट अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप अपने मसाले इसमें डाल सकते हैं। देखिए, हमारी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसमें मलाई डाली थी, वो भी देखिए आप रेडी हो चुकी है। इसमें मैश हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप तेज मसाला खाते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च अच्छा तरीके से ज़्यादा डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं, हरी मिर्च। ये देखिए, ये अपना तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ये टमाटर की प्यूरी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, हमने इसमें दो टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी। 200 ग्राम पनीर में दो टमाटर, दो प्याज, पांच से आठ कली लहसुन की, एक इंच का टुकड़ा अदरक का डाल दिया और हमारा ये इसमें पेस्ट बना लेते हैं। मिक्सी ग्राइंडर में तैयार करके रख लेते हैं और बस फिर अपने
इसको सेकना बाकी रह जाता है। ये देखिए आप, टमाटर की प्यूरी भी इसके अंदर अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है। हम इसको बराबर चलाते रहेंगे। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया तरीके से। हम लोग इसमें देसी घी भी डाल लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पसंद ऑयली नहीं करते वो इसमें मलाई भी न डालें, वो भी चलता है, और देसी घी न डालें, वो भी उनकी इच्छा है। हम लोग जैसा खाएं तो उसके हिसाब से इसमें घी ऑयल डाल सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल टमाटर की प्यूरी इसमें अच्छी तरीके से मैश मसाले में हो चुकी है। अब प्याज लहसुन ये सारा पेस्ट जो है और टमाटर की प्यूरी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हम ये कटे हुए पनीर जो है इसमें डालेंगे। ये देखिए इसमें हमने ये मिक्स कर दिए हैं। इसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर भी डाल देते हैं जो स्वाद के लिए और स्वास्थ्य के लिए दोनों ही बहुत अच्छा होता है। इसलिए हर सब्जी में मैं कहूँगी आपसे प्लीज़ दालचीनी पाउडर डाला करें। ये देखिए हमारा शाही पनीर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको इसमें अच्छी तरीके से किसी भी बाउल में निकालें। आप देख सकते हैं मैं प्याली में आपको पनीर को निकाल कर देखिए। आप गैस को ऑफ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा शाही पनीर बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है। तो आप प्लीज़ जल्दी फटाफट बनने वाला शाही पनीर की ये मेरी रेसिपी देखी है, आप इसको प्लीज़ शुरू से लास्ट तक देखें। 5 से 7 मिनट लगते हैं शाही पनीर बनाने को, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पेस्ट पहले से रेडी कर कर रखें, बस हर चीज़ को तैयार रखें, और मसाला सेकने की देरी होती है जो 5 से 6-7 मिनट में सेक जाता है, और उसमें पनीर डाल देते हैं काट कर, और वो पूरा रेडी हो जाती है सब्जी। इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।